असल मैं हूँ फरत शाह आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौर टीवी बड़ा काबिल मजम्मत है ये रवैया सोशल मीडिया के बच्चों का और ये गैर संजीदा लोगों का और गैर संजीदा सहाफ़ियों का उसकी वजह यह है कि यही सोशल मीडिया है कि जिस पर तोह रिसालत तक के ये ट्रेंड्स चलाए गए हैं और ये लानती लोगों ने और नीच किस्म के थर्ड क्लास अनपढ़ और जाहिल लोगों का एक जमघटा है कि जो किसी चीज़ की सेंसिटिविटी को देखे बगैर किसी का कोई एहसास किए बगैर और किसी की कोई इज्जत और एहतराम और तकीर को मद्द नज़र रखे बगैर वो अपना वो जानवरों की तरह जो है वो ट्रेंड चला देते हैं ये ऐसे लोग होते हैं नफसियाती तौर पर कि जो ये आपको नज़र आता है ना ये रेप केसेस मासूम बच्चों के साथ बच्चियों के साथ कत्ल कर देना अगवा कर लेना टुकड़े का यानी ये बायदा इस तरह का माइंड सैट होता तो जो ये नहीं कर सकते वो फिर अगर उनके अंदर मरज ये नफसियाती मौजूद हो या जहालत हो तो फिर वो इस तरह की हरकतें कभी उनको एहसास नहीं होता कि कोई शहीद हो जाए किसी का बेटा चला जाए किसी का बाप सर से उठ जाए कोई वतन के लिए अपनी हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान दे दे तो वो उनको समझ नहीं होती कि कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आई एस पी आर का ये जो बयान है ये ये ठीक है दुरुस्त है कि ये नाकबिल कबूल होगा और इन लोगों को फॉलो करके परसू करके इनको समझाना भी चाहिए जिस तरह भी कोई कानूनी चारा जोई हो या इनको पहले तरीके से कि भाई बाज़ आओ इनके माँ बाप को वो एक ये ये ज़रूरी है क्योंकि लॉ एंड आर्डर को जिस तरह मैनेज किया जाता है ये सोशल मीडिया भी इसी तरह है। लेकिन अब उसका क्या करें कि जब पीछे बैठे हुए बड़े मिच्योर बड़े संजीदा लोग जिनके जो मीडिया पे भी बैठे हों जिनको रायस में जिनको बहुत बड़ा चैम्पियन भी समझा जाए और वो लोग जो हकूमतें और मुल्क चलाने का दावा करें अगर वो इन चीज़ों को एक यानी ट्वीट्स को या सोशल मीडिया पोस्टों को वो प्रोपेगंडे के की जद में ले आएँ या प्रोपेगंडे का उसको बनाएं बायस और टूल बना लें उसको और फिर उसको उछालें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुर्म जो है वो उन जाहिल बच्चों या मासूम बच्चों या नादान लड़कों से या जाहिल लोगों से ये ज़्यादा ये, ये काबिल मजम्मत है मिसाल के तौर पर मुझे मैं आपको ये बताऊँ मैं पिछले कोई आठ सालों से सात आठ सालों से सोशल मीडिया के साथ बायदा वाबस्ता हूँ सोशल मीडिया इस तरह बना दिया गया है कि जिसमें चंद लोगों के आपका जो जितना बड़ा आपका वो उसमें स्प्रेड होगा आपकी फॉलोइंग होगी उससे आगे बात जाना वो फिर बड़ा मुश्किल होता है लेकिन बाजू का चीज़ें जिसे वायरल कहा जाता है वो फिर जब उनसे निकलती हैं तो फिर वो वायरल होती हैं और वायरल वो तभी होती हैं जब ज़्यादा फॉलोअर्स वाले जो पेजेस हैं या चैनल्स या हैं या ट्वीट्स के जो वो अकाउंट्स हैं वो उनको जब शेयर करें या रीशेयर करें तो फिर चीज़ ज़्यादा फैलती है एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि एक बादशाह था वो कश्ती में कहीं जा रहा था बेस बदल कर तो वहाँ लोग बैठ कर ना एक किसी ने एक बात कर दी और बहुत सारे उसमें सौ डेढ़ सौ लोग होंगे या ज़्यादा से बड़ा बड़ी कश्ती थी जहाज कह लें उस वक्त का पुराने ज़माने का तो किसी ने कहा कि बादशाह की जो बेटी है ना वो घर से भाग गई अब वो साहब ने अफसोस का इजहार किया किसी एक आदमी ने उड़ाया किसी ने मजम्मत की बादशाह बेचारा परेशान उसे तो नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा हो जाएगा और वो उन लोगों को भी नहीं पता था कि वो तो बैठा है बादशाह जिसके बारे में अब बातें शुरू होगी वो जब किनारे पे गया तो वहां उसने फौरन अपने जो साथ थे उसने भेजे कि यार इससे पहले कि मैं वहां पहुंचू मुझे उससे भी पहले इतला दो कि कहाँ गई है वो क्या हुआ तो वो अभी रास्ते में ही था वो तेज़ रफ्तार जो घुड़सवार थे वो वापस आए उन्होंने कहा बादशाह सलामत वो बेटी आपकी शहजादी तो घर में मौजूद है वो तो किसी ने झूठ बोला था बादशाह सर पकड़ के बैठ गया उसने कहा यार अब जिन लोगों के सामने ये बात हुई है वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ का कौन कौन मुसाफिर था वो तो अब हो गई बात वो तो फैल गई मेरी बदनामी तो हो गई इज्जत तो वो जो वहां पे बात फैलाने वाला था एक वाकया नहीं भी होता तो जो फैलाने वाला है उसको फैला देता है यहां भी यही हुआ है कि अगर वो ट्वीट चंद लोगों मेरे ख्याल हजार बंदे तक या दस हजार तक जाने वाली थी तो सलीम साफी साहब और उसके बाद अंसार अबासी साहब जो है वो उन्होंने क्या अपने तौर पे पर या उन्हें कहा गया किसी किसी की तरफ से कि भाई इन ट्वीट्स को इतना उछालो कि जो हमारा मिशन है ना इमरान ख़ान को हिट करना इसकी इसकी वजह से हम वो काम कर लें और फ़ौज और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ के दरमियान हम नफ़रत पैदा करने में कामयाब हो जाएँ ये बुनियाद अब ये आईएसपीआर को मेरा तो नहीं ऐसी ऐसा ख्याल कि उनकी उनकी वो दाना लोग हैं उनको ये हम से पहले उनको अंदाज़ा होता है इन चीज़ों का उनको पता होगा लेकिन उन्होंने भी फ़ोकस इसी बात पे बार बार किया है कि ये काबिल क़बूल नहीं होगा और ये और इसमें तो किसी को देखिए हम मेरे जैसे लोग जो हम हम हैं टिपिकल पाकिस्तानी हमारे अंदर से जो वतन है ना इसकी मोहब्बत को ना कोई छीन सकता है ना कोई उखेड़ सकता है इसी तरह हमारे हम हैं नज़रियात इसी तरह फ़ौज की मोहब्बत जो है उसको कोई कम नहीं कर सकता वो हमें हमें शहादत के दर्जे का हमें वतन की हिफाजत के लिए मोर्चों और सरहदों पर सीना तान कर खड़े होने की अहमियत का अंदाज़ है ये हम लोग वो हैं जिनको ये शूर है कि फ़ौज और ईमान जिस इंसान के फौज और वतन जिस इंसान के ईमान का हिस्सा नहीं होती वो वो उसका ईमान कमज़ोर होता है हम लोगों हम तो वो हैं जिनके ईमान का हिस्सा है और शायद इमरान खान मैं मैं बड़े मेरा दावा है ये और मैं पूरे अतमाद से कहूँगा कि हमारी जितनी लीडरशिप गुजरी है मैंने जो देखा है मेरे ख्याल मेरी ज़िंदगी में मैं अब साठ साल का होने वाला हूँ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई लीडर मेरी नज़र से नहीं गुज़रा जिसके दिल में फ़ौज की मोहब्बत फ़ौज का एहतराम और जो खुल के फ़ौज के साथ खड़ा हुआ हो सियासी लीडर और अब भी है शायद इमरान खान को उसको पसंद करने की बहुत सारी वजूहत में कि वो दयान है मुखलस है सच्चा है एक वजह ये भी हो कि वह अपने वतन और अपनी फ़ौज और अपने अपने अवाम से मुखलस है उनसे वो उनका एहतराम करने वाला आदमी है वरना हमारे लिए हम साफी भी हैं शायर भी हैं हम तो पहले ही मशकूक होते हैं और जो कुछ हमारे साथ बीता है जो पिछले सत्तर सालों में हमारा तो इन लोगों से भरोसा ही उठ गया हुआ है ये सियासत ये हुकूमत ये इस्टेबलिशमेंट हमें रिजल्ट जो है वो नजर आए हैं फेल होते हुए नाकामी की सूरत में नजर आए हैं अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी कि शहदा को जितना श, वो काबिल मजम्मत है शोदा के हवाले से कोई बात करनी और मैंने मेरे, मेरे तो मेरे दोस्त हैं सारे जनरल्स भी हैं ब्रिगेडियर्स हैं उन्होंने जिस तरह उनके बारे में बताया है जो शहीद हुए हैं एक एक बदसती साहब के बारे में सरफराज साहब के बारे में किस तरह के वो लाजवाब और बावकार और मुहब्बत वतन और और अंदर बाहर से बातिन से ज़ाहिर से जमालियात और एहसास और सच्चाइयों से भरे हुए लोग थे वो कोई मामूली लोग नहीं थे तो हम तो मैं तो वो हूं कि जो हम पता है कि दुश्मन है और लेकिन वो जो है ना कि दुश्मनों की भी हम इस इन चीज़ों का जो है वो खुश होने वाले नहीं है कि दुश्मन को मार के भी कि कोई हमला किसी ने कर दिया जहर जवाब में लड़ना है वो फर्ज है लेकिन उसके बाद कोई खुशी नहीं होती मैं आपको एक अपना शेर सुनाता हूं कि शहर में फतह की रौनक थी किसी दुश्मन पर हमसे लेकिन दर दीवार सजाए ना गए हम तो इस तरह ऐसे एहसास के मालिक है कि दुश्मन को मार के भी गमजो देते हैं कि यार किसी का बेटा तो था किसी का भाई तो था तो हम अपने जो जवान होंगे उनके लिए तो हम खून के आंसू होते हैं कोई ऐसा वाकया हो जाए तो लेकिन ये लोग जो प्रोफेशनल चैम्पियन हैं ये साफ़ी वगैरह और वो जो नासाफी वगैरह ये जो अनसार साहब वो मैं सुनता हूँ बहुत खोखली वो वो कर रहे होते हैं उनकी तकरीरें और वो जो वीलाक बना रहे होते हैं बड़े पोपले से फिसफ से क्योंकि जब तक इंसान के अंदर उसका उसका जो भी ईमान है मैं कहता हूँ जो भी नजरिया है वो उस नज़रिए की डायरेक्शन राइट ना हो और नजरिया हो और अगर सच्चा हो तो क्या बात है लेकिन नजरिया होना भी जरूरी होता है चाहे जो भी हो ये तो फिर बरकत आती है उनके तो ये बेनजरिया लोग हैं ना इनका कोई दीन है ना ईमान मैं नहीं समझता इनकी बातों से तो यही लगता है तो ये 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 ज़्यादा गैर संजीदगी का मुजाहरा हुआ है कि जो इन्होंने शेयर किया और फिर इमरान रियाज के बारे में मैंने कहा यार वो वो तो उसने ऐसी कोई ट्वीट की ही नहीं है ये नहीं कि मैं कोई उसकी गलत गवाही दे रहा हूँ हम देखते रहते हैं चीज़ें सारी एक दूसरे की तो मैं तो देखता हूँ सबको देखता हूँ कि कौन क्या कह रहा है तो ये ऐसी कोई ट्वीट उसने कोई और वो उसका नाम भी उसमें इससे लगता है कि अब ये तसर ये मिलता है कि जैसे वो ये जैसे ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसका मंसूबा और इसी के हवा वो साथ साथ खड़े हो गए हैं आई एस पी आर बी के वही उन्होंने जो है वो इनको पकड़े ना साथ में ये भी कहें कि ऐसी ट्वीट्स को उसका वजह शोरत ना बनाएं इसको प्रॉपिगंडा ना बना लें यानी ट्वीट्स को जो महदूद लिमिटेड ट्वीट्स को एक पूरे प्रॉपिगंडे और पूरे उस, अपने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें फिर बात फैलती है तो ये 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 भी काबिल मजम्मत है और ये सबको जो है जो लोग दाना लोग हैं जो विजडम वाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि संजीदगी का मुजाह शुदा के हवाले से वतन की किसी कोई ऐसी कोई बात होती है तो संजीदगी का मुजाह हर लेवल पर ज़रूरी है ये तो नहीं कि जियो उठ कर बैंड बजाना शुरू कर दे साफ़ी उठ के जो है टूटना शुरू कर दे और उस चीज़ को एक कोई बात को नीचे से उठा के ले ले दौड़ें ये ये काबिल मजम्मत है और ये नहीं होना चाहिए और ये इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि ये इमरान ख़ान को पुश करने के लिए कितनी इनको मौत पड़ रही है कि ये शहदा के हवाले से की गई कोई ऐसी बात इसको नज़रअंदाज कर देना ज़्यादा बेहतर था उसको उछाल के और इमरान खान दुश्मनी जो है और फ़ौज और इमरान ख़ान के दरमियान नफ़रत पैदा करने का ज़रिया बना रहे लानत है ऐसी सोच पर जो झूठ और और बदानती बेानसाफ़ी और और दुश्मनी पर मबनी हो जिससे अदारों पर हरफ आए और हमारे शुदा की तरफ जो है कोई बेहतरामी से कोई बात ही करे तो हम बिल्कुल ये ये हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ दे और दुख की बात है और ये तो हैं ही बस ये प्रॉपर ये टूल्स हैं अनसार अबासी साफ़ी वगैरह ये तो वैसे ही चूंकि ये जिस अदारे से मुनसलिक हैं वो अदारा ही प्रॉपरगंड का एक जिसका भी है वो बहुत उसको हम देखते रहते हैं वाच करते हैं तो लाइनें बकायदा चलती हैं कि इस लाइन पर ये करें उस लाइन पर ये करें हाँ बिजनेस में वो कारी करते हैं कभी उठा दिया रेट कभी गिरा दिया कभी स्टॉक मार्केट हेट कर दी कभी किसी को कर दिया यही हालात हैं अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क की हिफाजत करे और हमारे अफवाज पाकिस्तान का नाम हमेशा सरबुलंद रहे हमारे शहदा जो हैं वो रब तला के प्यारे और हमारे हमारे वो वो हिरोज़ हैं के जो जिनका जिनका नाम हमारे दिलों पर लिखा जाता है खुश रहें लाहौर टीवी को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें बहुत शुक्रिया